14 तारीख को थाना ताल कटोरा पर एक महिला से बनाकर दो लोगों ने उनके जेवरात उतरवा लिए थे, बदले में सादे नोटों की गड्डी उनको दे दी थी। इसके संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस कमिश्नर लखनऊ के निर्देशन में क्राइम ब्रांच और तालकटोरा की टीम ने अथक परिश्रम किया और दिल्ली बेस्ड एक गैंग को आज 10 बजे गिरफ्तार करके उस घटना में चेन टप्पेबाजी की गई थी, ठगा गया था, वो चेन बरामद किया। साथ ही वो रुपयों की गड्डी जिसके ऊपर और नीचे 500-500 के नोट लगे रहते हैं और बीच में सादे कागज होते हैं, उसको बरामद किया है और 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया है। साथ में एक टियागो गाड़ी जिससे वो ट्रेवल करके ये घटना कर रहे थे, उसको बरामद किया है। सर, ये पूछताछ से लखनऊ के 2 घटनाओं का और 1 आजमगढ़ की घटना का इन्होंने खुलासा किया है। 10 तारीख को पीजीआई थाना क्षेत्र में तेलीबाग में एक बुजुर्ग व्यक्ति को झांसे में लेकर जिसे जेवरात की ठगी की गई है। 11 तारीख को अलीगंज में एक बुजुर्ग महिला को इसी तरीके से झांसे में लेकर उनसे जेवरात की ठगी की गई। 15 तारीख को आजमगढ़ में इनके द्वारा एक दंपति को झांसे में लेकर उससे चेन और अंगूठी ली गई है। पुनः ये 15 के बाद बिहार चले जाते हैं, जहां बिहार बॉर्डर पर ही इन्होंने पहली फिर एक घटना करनी कबूली है और हाजीपुर और पटना में भी इन्होंने घटना करने की बात कबूली, जिसके संबंध में हम लोग आगे विवेचना कर रहे हैं, वहां के पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जा रही है। मूल रूप से ये 5 लोग जो पकड़े गए हैं, एक राम अचल चौहान है जो मूल निवासी आजमगढ़ के हैं लेकिन वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं, जो गैंग के सरगना है और गाड़ी भी इन्हीं के नाम पंजीकृत है। एक भरत कुमार है, मनोज मजिया उर्फ शंकर और राम अचल की पत्नी राधा, ये 5 लोग घटना में शरीक रहते थे। 2 से 3 लोग ये घटना करते थे, बाकी लोग गाड़ियों में होते थे, आगे बढ़ते जाते थे और घटना करते थे। सर, ये 2-3 मोटर सप्रेंडाई इनकी थी। पहले जैसे ताल कटोरा में इन्होंने नोटों की गड्डी वाला यूज किया, बात में फंसाते हैं एक आदमी और फिर दूसरा अचानक प्रकट होता है दिखाते हुए कि इससे संबंधित नहीं है, फिर उनको झांसे में लेके ही बताते हैं कि इसमें 50,000 रुपये हैं, ले लीजिए, लेकिन साथ में उनका कोई ना कोई जेवर एक रुमाल में रखवा लेते हैं, घर में खोलने की हिदायत दे के चले जाते हैं। वो सामने वाला ये समझता है कि वो चेन के बहाने 50,000 रुपये ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं, लेके चला जाता है। एक मोटर सप्रेंडाई ये है। दूसरा जो थोड़ा जैसा उनको क्लाइंट मिलता है, एक जगह इन्होंने पुलिस चेकिंग का बहाना बनाकर उनका जेवर अपने रुमाल में रखवाया, वहाँ नोट नहीं दिया था। 2-3 मोटर सप्रेंडाई ये अडॉप्टर सही मैं देखिए, ये महिलाओं को बुजुर्ग लोगों को ही टारगेट करते हैं। सारी जो 4 घटनाएँ इसमें प्रकाश में आई हैं जो हम आपके सामने मैंने रखा है, उसमें एक में बुजुर्ग पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं, उनको ही ये टारगेट है। देखिए, जेल जाना तो ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये 4 घटनाएं तो आपके सामने हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया, 3 घटनाएं और ये बिहार की बता रहे हैं जो अभी इस बार पहली बार यूपी की तरफ आए हैं जैसा बता रहे हैं। 3 घटनाएं आपके बिहार में ये बता रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग विवेचना कर रहे हैं, उनको सूचना भी दी जा रही है। इसके पूर्व में ये राजा और अनु नामक 2 व्यक्ति थे जिनके संपर्क में आकर इन्होंने ये अपराध करना सीखा और बल्लभगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली और दिल्ली के आसपास ये घटनाएं करते रहे, लेकिन इसके विषय में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। एक रामचल मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं लेकिन ये दिल्ली में निवास करते हैं। शेष सभी गुजरात के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में निवास। ऐसा नहीं है, वो रूट पर पड़ता है चलते हुए, क्योंकि ज्यादातर टप्पेबाजी की गैंगें जो भी पकड़ी जा रही हैं वो बाहर की ही है, रूट पर है, रूट पे पड़ता है जो भी।